विश्वसनीय ढंग से आप हृदंगम कर लेते हैं, आप उसको लर्न कर लेते हैं, तो वो आपका अपना हो जाता है। वो अगर आप लिख के आएंगे किसी भी विषय में, जो विषय उन्होंने टच किए, और ऐसा कोई विषय नहीं है 21st लेसन में फॉर 21st सेंचुरी जो उन्होंने टच नहीं किया, तो उन पे आप जो भी लिख के आएंगे वो आपका एक्सीलेंस को शो करेगा, ये दिखाएगा कि इसका एनालिटिक नैरेटिव बहुत अच्छा है। ये मैं आईएएस के लिए कह रहा हूँ, आरएएस में तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट पीसीएस की जो तैयारी है वो किसी भी सिविल सेवा के लिए पूर्ण पीठिका की तरह, क्योंकि इसमें फैक्चुअल जानकारी होती है और फैक्ट के बिना आप विश्लेषण नहीं कर सकते। आप जब अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी नहीं है, तो आप किसी भी लेख को, जो अच्छे जितने भी ऐसे राइटरिस्ट होते हैं या जितने भी कॉलम राइटर होते हैं, वो जो लिखते हैं वो उसको आप एप्रिसिएशन करने के लिए आपको पूर्ण पीठिका चाहिए। वो आपको उसकी पारिभाषिक शब्द नहीं बताएगा, वो मान के चलते कि ये सब आपको आता है। तो अगर आप ये सब करके चलेंगे, आप अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, यहाँ कंसेप्चुअल है, तो आप सिविल सर्विसेज का जो पहला एस्पेक्ट है पीसीएस, उसके लिए तो आप अभी से तैयार हो जाएंगे। जैसे मैंने ग्रेजुएशन करते ही, पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही जब दूसरे चांस में मैंने फर्स्ट टॉप किया, तो मेरे से पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई की थी। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था पहले चांस में। मैंने जरूर अपने को थोड़ा क्यू कर लिया था ठीक से, अपने को कि भी क्या क्या रेंज में है, स्कोप देख लिया था, सिलेबस देख लिया था, उसके हिसाब से पढ़ लिया था। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका प्रेस्क्राइब होता है। आप उससे इतर अगर जानकारी रोल आउट करके आएंगे तो यू मे बी पनिश्ड। सारे एग्जाम में लिखा सब सीमा आती है, तो आप जो भी विषय लिखें, जो भी सब्जेक्ट की हैंडलिंग करें, जिस भी टॉपिक की हैंडलिंग करें, वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसीजन इज द की नोट। अब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं लेक्चर देने गया था, तो बोल सर आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो कहा कि जितनी लाइन आती है ना वो सारी भर के आनी चाहिए। मेरे को पता नहीं आपको जो पढ़ाते हैं, या तो आप उनकी मान लो, या आरपीएससी जो लिखती है उसकी मान लो, उसमें लिख रखते हैं आरपीएससी में कि अधिकतम 15 शब्दों में उत्तर दे, तो आप 16 शब्द का गुंजाइश क्या है। तो एक ने मेरे को कहा, क्वेरी दी कि सर मेरे मार्क्स कम आए। मैंने कहा बेटा बताओ कम क्यों आए। बोले मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई, मैंने आजकल तो फेल हो गए थे, तो मैंने आजकल तो कॉपी निकलती कॉपी मंगवा लो। उन्होंने कॉपी मंगवा ली, कॉपी लेके मेरे पास आए, पेपर देखा मैंने, तो पहला क्वेश्चन था कि भाई ये प्रस्थान पर ही, तो उन्होंने अंदाजे से रामायण महाभारत गीता लिख दिया, तो उसमें उनको आधा नंबर दे दिया। मैंने कि आधा नंबर आपको नहीं मिलना चाहिए। बोल क्यों, मैंने आपको पता नहीं प्रस्थान पर ही क्या, मैं होता तो जीरो देता, तो आप तो कह रहे कम दिए, मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा दे दिया आधा मार्क्स, नहीं और काटता। फिर आगे एक क्वेश्चन था कि भाई अकल्चुरेशन को डिफाइन करें, तो पहले तो उन्होंने अच्छा मतलब होशियार था विद्यार्थी, पहले लिखा उन्होंने संस्कृति की परिभाषा लिख दी कि संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र वह कुछ है जो उसके शिक्षा में, आचार व्यवहार और संव्यवहार में प्रकट होता है। मैंने बिल्कुल सुना, ये 15 शब्द हो गए, 15 शब्द का क्वेश्चन था। दूसरे में लिखा उन्होंने अकल्चरेशन, जब निम्न जातीय और वर्ग के समूह उच्च जातीय वर्ग के समूह के आचार व्यवहार संव्यवहार को अनुकरण करते उदातीकरण, मैंने ये भी सही। तीसरा भी संस्कृतिकरण भी लिख दिया, तो मैं होता तो इसमें भी आपको जीरो देता, इसने तो दो में से एक दे दिया, बहुत ज्यादा। मैंने इसने पढ़ा क्यों 15 शब्दों के बाद, इसको तो आंसर देखने के 15 शब्द के ही पैसे मिल रहे, पारिश्रमिक मिल रहा 15 शब्द का ही मिल रहा है डॉक्टर मीना जी को, ये 16वां शब्द क्यों पढ़ेंगे, इट इज नन ऑफ माय ड्यूटी। आप क्यों समझते हो कि आप वो भी जो लिटर उसमें करके आएंगे, गार्बेज डाल के आएंगे, वो सब पढ़ेगा, किसको क्यों चौधरी है। अगर ऐसा होगा तो आप ये मान के चले प्रिसिशन इज द की। अगर आपसे पूछा वेद कितने हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द में लिखिए चार, आपके दो में से दो नंबर देने से कोई रोक दे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप कभी भी कॉपी नहीं करवा लेना। आप चार ही लिखिए, 15 शब्द किसके लिखने आप,